हेलो एवरीवन, क्या आपने कभी डेड रोट बिकम ह्यूमन गेम के बारे में सुना है? हो सकता है गेम के बारे में सुना हो और हो सकता है इस गेम के बारे में नहीं सुना हो। तो आज हम इस वीडियो में इसी गेम के बारे में बात करेंगे। आप ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम है भारत चौधरी, आप देख रहे हैं निशान बार। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ दोस्तों, डेड रोट बिकम ह्यूमन गेम को बनाया है क्वांटिक ड्रीम्स ने और पब्लिश भी किया है क्वांटिक ड्रीम्स गेम्स ने। और गेम की रिलीज डेट की बात करें तो यह गेम 25 मई 2018 मतलब कुछ ही दिन पहले यह गेम 25 मई को पूरी दुनिया के लिए PS4 के लिए रिलीज हो चुका है। मैं आपको बता दूं, यह गेम किसी भी डिवाइस के लिए रिलीज नहीं हुआ है, यह गेम सिर्फ PS4 के लिए रिलीज हुआ है। तो आप इस गेम को खेलना चाहते हैं तो अवश्य आपके पास PS4 होना जरूरी है। और गेम की बात करें तो यह गेम जल्दी PC के ऊपर भी स्टीम के ऊपर आने वाला है, ऐसा कंपनी का दावा है, मगर अभी इसकी रिलीज डेट रिलीज नहीं की गई है। तो अभी हम मान सकते हैं यह गेम इस साल के अंत तक PC के लिए भी आ जाएगा। और हम इस गेम की बात करें, इस गेम की स्टोरी की बात करें तो यह है कि एक एक्शन एडवेंचर स्टोरी है। उसकी अगर मेन स्टोरी की बात करें तो इसके अंदर कुछ बहुत सारे रोबोट्स होते हैं जिन्हें इंसान का रूप दे दिया जाता है, मतलब उन्हें इंसान की स्किन दे दी जाती है। तो वो इंसानों के बीच रहते हैं और इंसानों की सहायता करते हैं। इनके अंदर कुछ जो बुरे लोग होते हैं, ये अच्छे लोगों को बुरे लोगों से बचाते हैं। इस गेम की यही पूरी स्टोरी है। हम इस गेम के अंदर हम उन रोबोट्स का कैरेक्टर निभाते हैं। तो आपको यह गेम पसंद आओ, इसे PS4 के लिए लगभग 2500 रुपये खर्च करके आप गेम को PS4 के लिए खरीद सकते हैं। मगर आपको मैं यह गेम इतना ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं करता, मगर यह एक ट्रेडिंग गेम है, मतलब अगर इसकी रेटिंग से करें तो इस गेम की लगभग 7.5% या 8% रेटिंग आपको मिल जाएगी। तो आपको यह वीडियो पसंद आता है, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए इससे अच्छी वीडियो लेकर देते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट वन।